गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था मल्टीपर्पजेज़ प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल लेवल पे चल रहे हैं। उसमें हमने किया था भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट और दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में रीड किया था। और आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, जो राजस्थान गवर्नमेंट रन कर रही है। सबसे पहले है चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में। और ये कौन सी रिवर पे है? चंबल रिवर पे बना हुआ है। और ये किसका जॉइंट वेंचर है, मतलब कि मिली हुई परियोजना है, ये सांझी प्रोजेक्ट है, ये किसका? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन थ्री फेजेस, मतलब कि तीन चरणों में इसका कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट देखो, सबसे पहले गांधी सागर डैम एंड कैनल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इन 1960। कि सबसे पहले जो इस रिवर पे क्या बना था, गांधी सागर डैम बना था और वहाँ से जो कैनल्स निकाली गई थी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का, किसका? एमपी में। और कब? 1960 में। सेकंड है, इन सेकंड फेज राणा प्रताप सागर डैम वाज बिल्ट एट ए प्लेस कॉल्ड रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान इन 1970। और सेकंड फेज में क्या बना था? राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट किया गया था कहाँ पे? रावत भाटा। और कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के। और कब हुआ था? 1970 में। एंड इन थर्ड फेज जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन वर बिल्ट ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर। और तीसरे चरण में क्या है? जवाहर सागर पिकअप डैम की शुरुआत हुई थी, बनाया गया था, और पावर स्टेशन बनाए गए थे कोटा बूंदी बॉर्डर पे विद द हेल्प ऑफ कोटा बैराज। ये क्या है? यहीं इसी प्रोजेक्ट पे कोटा बैराज, यानी कि कोटा एक बांध, बैरेज किसको बोलते हैं? बैराज, बांध को ही बोलते हैं, वो भी बनाया गया। ये किस लिए था? इरिगेशन इज डन थ्रू कैनल्स इन राजस्थान। और इस कोटा बैरेज से दो नहरें निकाली गई, ठीक है, इस तरीके से जो दो नहरें निकाली गई, ये कोटा बैराज यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से दो नहरें जो निकाली गई राजस्थान में, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इरिगेशन के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। और इन जो यहाँ पे पावर स्टेशंस बने, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी 386 मेगा पावर, ठीक है, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखो, इसमें जवाहर सागर डैम से कितनी होती है? 99 मेगावाट, और राणा प्रताप सागर डैम से 172 मेगावाट, एंड गांधी सागर डैम से 115 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सेकेंड है हमारा माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो राजस्थान गवर्नमेंट रन कर रही है। ये माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है, वो क्या है? माही रिवर पे, राजस्थान की माही रिवर पे है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, उस पर शुरू किया गया है। अब इसको कब स्टार्ट किया गया? 1971 में। और कौन सी रिवर पे? माही, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है माही रिवर की? विंध्याचल माउंटेन से होती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से। ये जॉइंट वेंचर है किसका? राजस्थान एंड गुजरात का। इसका पर्पज़ क्या है? टू डेवलप इरिगेशन एंड पावर फैसिलिटीज एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। जो ट्राइबल एरियाज हैं डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के, उनमें क्या है? इरिगेशन फैसिलिटी देना, पावर फैसिलिटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी करना। अंडर दिस प्लान माही बजाज सागर डैम वॉज बिल्ट एट ए प्लेस नेम्ड बोरखेड़ा इन राजस्थान एंड कडाना डैम इन गुजरात। इस प्लान के अंदर क्या है? यहाँ से दो डैम बनाए गए थे, माही बजाज सागर डैम जो कहाँ पे है? बोरखेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और बोरखेड़ा में और एक जगह का नाम है, और कडाना डैम गुजरात में बनाया गया था। और इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? 140 मेगावाट। ये किससे होती है? ये माही बजाज सागर डैम से प्रोड्यूस की जाती है, 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। कागदी पिकअप डैम वॉज ऑल्सो बिल्ट 500 मीटर बिलो द मेन डैम टू डेवलप द कैनल सिस्टम। कि जो माही बजाज सागर डैम के आगे, मतलब कि 500 मीटर नीचे क्या है, एक और कागदी पिकअप डैम भी बनाया गया था, ताकि वहाँ से और नहरें निकाल सकें। अनंतपुर भूखिया कैनल बांसवाड़ा और भिखाबाई सागवाड़ा कैनल डूंगरपुर, ये दो नहरें क्या हैं, यहाँ से निकाली गई थी।
थर्ड है हमारी राजस्थान कैनल और इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको राजस्थान कैनल भी बोलते हैं और इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। दिस कैनल इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड कैनल इन द एशियन कॉन्टिनेंट, कि ये जो इंदिरा गांधी कैनल है ये क्या है, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी मैन मेड कैनल है। इसको स्टार्ट कब किया गया था, 31 मार्च 1958 में। एट दैट टाइम दिस प्रोजेक्ट वॉज नोन बाय राजस्थान कैनल, कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसको राजस्थान कैनल के नाम से जाना जाता था। बट इसका नाम चेंज कब हुआ, कब इसको इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाने लगा, ऑन 2 नवंबर 1984 इट्स नेम वॉज चेंज टू इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी ऑन 31 अक्टूबर 1984, कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसके दो दिन बाद 2 अक्टूबर 1984 को इसका नेम इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट कर दिया गया था। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 649 किलोमीटर। अब देखो इसमें से जो 169 किलोमीटर है वो पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है और बाकी की राजस्थान में है। दिस कैनल प्रोवाइड वाटर इन ए डिस्ट्रिक्ट इन 9 districts, ये जो कैनल है वो क्या है, 9 districts में वाटर प्रोवाइड करती है, 29 towns में और 3,461 villages ऑफ राजस्थान, इतनी जगह पे यहाँ से वाटर की सप्लाई की जाती है। दिस कैनल वॉज कम्प्लीटेड इन 2 phases, दो चरणों में इसको कम्प्लीट किया गया था। सबसे पहले राजस्थान फीडर, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कहाँ तक है, मसीता वाली तक ये बना हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है, 204 किलोमीटर है। और मेन कैनल क्या है, जो मसीता वाली से लेके एंडिंग पॉइंट तक है मोहनगढ़ तक, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 445 किलोमीटर लॉन्ग। आगे वेरियस ब्रांचेस एंड लिफ्ट कैनल्स हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस कैनल फॉर द पर्पज ऑफ इरीगेशन इन थार डेजर्ट, मतलब कि बहुत सारी इसकी ब्रांचेस बनाई गई आगे और इसे बहुत सारी लिफ्ट नहरें, मतलब कि आगे के आगे कैनल्स निकाली गई ताकि क्या है, थार डेजर्ट में थार मतलब कि रेगिस्तान एरिया में भी क्या है, वाटर की सप्लाई हो सके। और अपने राजस्थान में अपने साइड जो अपने देख रहे हैं इस टाइम, जो हम ये प्लांटेशन कर पा रहे हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर पा रही हैं, ये सिर्फ इसी नहर की बदौलत है, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हमें क्या है, वाटर सप्लाई प्रॉपरली मिल रही है। ऑन वेस्टर्न बॉर्डर 9 branches आर मेड एज पर स्लॉप देयर एंड ड्यू टू इंक्रीज हाइट वाटर इज टेकन अपवर्ड्स एंड फ्लोन इनटू स्मॉल कैनल्स विच आर लिफ्ट कैनल्स, कि वेस्टर्न बॉर्डर पे 9 branches इसकी बनाई गई हैं स्लॉप के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिस तरफ की भी उसका स्लॉप हो, एंड ड्यू टू इंक्रीज हाइट वाटर इज टेकन अपवर्ड, पहले वाटर को ऊपर और फिर उसके थ्रू क्या है, स्मॉल कैनल्स में पानी को सप्लाई किया जाता है। There are 7 lift canals present. To this, 17.41 crore hectare of land will be irrigated. Now this project has been extended till Gadra Road of Barmer. मतलब कि पहले ये क्या है, मोहनगढ़ तक फैला हुआ था, अब ये क्या है, गदरा रोड बाड़मेर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये था राजस्थान कैनल और इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। आगे देखो बिसलपुर प्रोजेक्ट। बिसलपुर प्रोजेक्ट इसकी कब ये स्टार्ट हुआ था, 1997-98 में इसकी स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को। ये बनास रिवर पे बना हुआ है बिसलपुर में, ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, टोंक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, वहाँ पे ये जगह है बिसलपुर, और कौन सी रिवर पे है, बनास रिवर पे इसको बनाया गया है। 2 canals हैव बिन कार्व्ड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस डैम, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं। दिस प्रोजेक्ट इरीगेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, वाटर इज प्रोवाइडेड इन जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सरवार एंड अदर विलेजेस, यहाँ पे क्या है, इसके थ्रू वाटर की सप्लाई दी जाती है। अलॉन्ग विद दिस 256 villages ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड विद पोटेबल वाटर, मतलब कि सफिशियंट वाटर सप्लाई उनको दी जाती है। आगे है नेक्स्ट है हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट। ये कौन सी रिवर, नर्मदा पे बना हुआ है, ये जॉइंट वेंचर है किसका, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन चारों स्टेट्स का ये क्या है, जॉइंट वेंचर है। और ये कहाँ से, सरदार सरोवर डैम से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 532 किलोमीटर, इसमें से गुजरात में कितनी है, 458 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है, 74 किलोमीटर। एंट्री पॉइंट क्या है राजस्थान में, मतलब कि राजस्थान में जहाँ से ये मतलब कि रिवर है वो एंटर करती है, सिलू विलेज है जालौर का,
जालौर डिस्ट्रिक्ट में एक सिलू विलेज नाम का गांव है, वहां से ये राजस्थान में एंटर करती है। बाड़मेर एंड जालौर आर प्रोवाइडेड विद पोटेबल वाटर थ्रू वाटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। यहां से मतलब कि बाड़मेर एंड जालौर को पोटेबल वाटर की सप्लाई की जाती है। आगे देखो अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान की, अदर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान में चल रहे हैं, इनकी फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं, बस थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है जाखम प्रोजेक्ट, ये जाखम रिवर पे है अनूपपुरा में। इसका पर्पज़ क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन इन चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ प्रतापगढ़। मतलब कि इरीगेशन फैसिलिटी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। आगे है सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट, ये रिवर सोम पे है। इसका पर्पज़ क्या है, इरीगेशन फैसिलिटी देना किसको, आसपुर तहसील ऑफ डूंगरपुर, ये माही रिवर पे है। सोम अम्बा कमला जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, माही रिवर पे ही है, इसलिए ये क्या है, आसपुर तहसील ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड बलूम्बर तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में इससे इरीगेशन फैसिलिटी दी जाती है। आगे है मेजा डैम, मेजा डैम कहाँ पे है, कोठारी रिवर पे है। कहाँ पे है, मेजा विलेज पे है। इसका पर्पज़ क्या है, इरीगेशन फैसिलिटी टू मंडालगढ़ तहसील इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वाटर की सप्लाई देना। आगे है सिद्धमुख डैम, एडिशनल वाटर ऑफ रावी एंड बनास इज यूज टू इरीगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड इन नोहर बाद्रा ऑफ गंगानगर एंड हनुमानगढ़ एंड तारानगर एंड राजगढ़ ऑफ चुरू डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जो भी रावी और बनास नदी का एडिशनल वाटर होता है उसके थ्रू क्या है, नोहर बाद्रा, तारानगर और राजगढ़ को वाटर सप्लाई दी जाती है। आगे देखो जवाई डैम प्रोजेक्ट, ये रिवर जवाई पे है जो कि लूनी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। ये पाली डिस्ट्रिक्ट में है और एरिनपुरा में ये शुरू होती है। 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनल हैज़ बिन कार्ड फ्रॉम दिस डैम टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटी टू पाली एंड जालौर। यहाँ से इतनी बड़ी कैनल निकाली गई है इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए पाली एंड जालौर डिस्ट्रिक्ट को। आगे हैं पंचाना डैम, अब पंचाना डैम देखो, इट इज़ अ डैम मेड ऑफ मड, ये मिट्टी से बना हुआ डैम है। इट इज़ मेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ फाइव रिवर्स, ये पांच नदियों के संगम पे बना हुआ है। वो कौन कौन से रिवर्स हैं, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट एंड अट्टा इन गुडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट के गुडला विलेज में ये बना हुआ है। एंड इट इज़ इसका पर्पज़ क्या है, इरीगेशन फैसिलिटी टू टोडा भीम, हिंडौन एंड गंगापुर विलेजेस में क्या है, इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लिया आपने। कल हम करेंगे कि कैसे वाटर जो पहले लोग करते थे वाटर को रिजर्व करने के लिए क्या क्या तरीके वो यूज़ करते थे, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आप इस सभी को केयरफुली रीड करो, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको कंप्लीट करके नोटबुक्स में फिर मेरे को नेक्स्ट सैटरडे, ये सैटरडे तक आपको अपनी नोटबुक्स भिजवानी है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड करते जाओ साथ के साथ, ताकि आपको ये समझ आता जाए। ठीक है, थैंक यू।